दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो आगे चल के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, स्पेशली अगर देखें तो जो 17वीं यानी 70th BPSC जो होने वाला है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा JPSC या फिर कोई भी आप PC से एग्ज़ाम देते हों, उसमें ये काफ़ी काम आने वाला है। और इसके अलावा भी, PCS के अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे हो, BSSC हो या JSSC हो, हर जगह ये काम आने वाला है। लेकिन स्पेशली ये 70th BPSC को लेकर ये वीडियो रहेगा। लेकिन फिर भी अब चूंकि हिस्ट्री से क्वेश्चंस है तो आप समझ सकते हैं कि, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है तो हर एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को हम लोग इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। और ये 100 जो क्वेश्चंस हैं इनका एक सेट होगा। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये बुक है और ये पूरी तरह से NCERT पर आधारित है, जो क्लास 6 से 12 का NCERT है उस पर आधारित है। और इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि 17 सेट्स हैं, तो हम लोग एक एक करके इन सारे सेट्स को कवर करेंगे। इसमें 4 सेट जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर 4 जो है वो पॉलिटी से है, फिर अगला 4 ज्योग्राफी से है, फिर अगला 4 साइंस से है, और 1 सेट इकोनॉमिक्स से है। तो इस तरह से कुल 17 सेट इसमें हैं। तो एक एक करके हम लोग इन सारे सेट्स को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस सेट से आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ एक रिवीजन के पर्पस से भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि और कौन सा सीरीज़ आगे इसमें चलाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 70th BPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो पहला जो हमारा सेट है वो हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट अभी करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कथक नृत्य जो है ये भारत के किस भाग से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है NCERT में भी रहते हैं, तो आपको पता है कि ये उत्तर भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कथक नृत्य का क्या है, उत्तर भारत में ये फेमस है। और कथक में अगर देखें तो ये कथक शब्द कहाँ से निकला है, तो कहा जाता है कि ये कथा शब्द से निकला है। ठीक है, कथा जो शब्द है इससे ये कथक निकला है। और ये कहानी इसमें जो है वो सुनाया जाता है, ये कहानी के आधार पर ये नृत्य जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। और उत्तर ये भारत में काफ़ी प्रचलित है, और ये मंदिरों में इसका यूज जो है वो होता था। ठीक है, मंदिरों में आज भी कहीं UP वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पर मंदिरों में कथक जो नृत्य है वो कई बार देखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो कथाकार होते हैं वो अपने हाव भाव और जो म्यूजिक होता है, संगीत होता है, और जो कथा वाचन है इस चीज़ को अलंकृत करते हैं इन सारी चीज़ों से। और 15वीं 16वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि जब भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो भक्ति आंदोलन के दौरान ये काफ़ी आगे इसको बढ़ाया गया था, कथक नृत्य को। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आगे है कि मेजोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो सही विकल्प में अगर आप आएंगे तो इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो आप पता होगा कि मेजोलिथ में जो पत्थर का औजार यूज होता था उसको माइक्रोलिथ ही कहा जाता था, तो ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है कि पत्थर के आकार बड़े थे, आकार में बड़े थे, तो आप देख सकते हैं माइक्रोलिथ जब है तो आकार में बड़े कैसे हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, अगला है कि इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे पहले जो भी हथियार औजार बना होगा वो तो रहेगा ही, वो कहाँ चला जाएगा। तो इसमें केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो मेजोलिथिक काल है, जो मध्य प्रस्तर काल है, इसको माना जाता है कि ये 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के काल को इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो भी पत्थर का यूज होता था वो छोटे होते थे आकार में, बड़े ना होकर क्या होते थे, छोटे होते थे, स्मॉल होते थे, और इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और इसमें जो छोटा छोटा आरी होता था या हसिया आप कह सकते हैं, ये सारे औजारों का यूज होता था। आगे बढ़ते हैं, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अभी बसोहली पेंटिंग्स को GI टैग भी मिला था, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ महीने पहले 2023 में आप देखेंगे कि वहाँ पर बसोहली पेंटिंग को GI टैग भी दिया गया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बसोहली में यही है, हिमाचल में काफ़ी फेमस है। और ये क्या है, तो लघु चित्रकला है। ठीक है, लघु चित्रकला शैली है, और ये हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी फेमस है, और वहीं पर अभी GI टैग मिला है। अगला है, रस मंजरी की रचना किसने की थी। तो रस मंजरी का जो रचनाकार हैं ये हैं भानुदत्त।
ठीक है, तो याद रखिएगा रस मंजरी के रचनाकार कौन है, तो भानुदत्त है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और ऐसा कहा जाता है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये लघु चित्रकला के बारे में हमने जो पढ़ा वो भानुदत्त के द्वारा इसी पुस्तक में बताया गया है रस मंजरी में। अगला है कि बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसकी रचना बंगाल में की गई थी, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की इसमें अनुमति दी गई थी। तो बृहधर्म जो पुराण के बारे में स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये बंगाल में ही हुआ था 13वीं शताब्दी में, संस्कृत ग्रंथ है, नाम से ही लग रहा है, बृहधर्म पुराण, और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। अब क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल में रचना हुई है, और बंगाल का जो फेमस अगर भोजन देखें तो उसमें मछली शामिल होती है, तो इसलिए बंगाल के जो ब्राह्मण थे उनको कुछ अनुमति दी गई थी। अगला आपको कार्यकाल को मिलाना है, तो ये भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। तो फर्रुखसियर का जब आप मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 1313 से 1719 के बीच में फर्रुखसियर का कार्यकाल रहा है, और इसी के बीच में आपको याद भी होगा 1717 का एक फरमान है जिसको गोल्डन सुनहरा फरमान कहा जाता है, जो फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था, तो काफ़ी ये फेमस भी था। इसके अलावा आलमगीर द्वितीय की बात करें तो 1754 से ये 1759 के बीच में नजर आएंगे। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो शाह आलम द्वितीय जो है ये लॉन्ग टर्म तक आपको दिखाई देंगे, यानी 1759 से लेके 1806 तक ये दिखाई देंगे, और इन्हीं के बीच में आप 1764 का बक्सर का संधि भी देखेंगे, जिस इस समय में शाह आलम द्वितीय ही थे, और आखिरी बच गया अहमद शाह, तो ये 48 से लेके 54 तक थे। इस चीज को याद रखिएगा। अगला है कि सवाई राजा जयसिंह, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें मालवा की सूबेदारी इनको स्टार्टिंग में दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जोधपुर के राजा अजीत सिंह जो थे, अजीत सिंह को दी गई थी गुजरात, गुजरात की सूबेदारी किसको मिली? तो अजीत सिंह को मिली। ठीक है, इसके अलावा अंबर के सवाई राजा जयसिंह को कहाँ का मिला? तो ये मिला मालवा का। इसके अलावा आगरा का भी मिला था, कुछ समय बाद ये बिहार के क्षेत्र में भी आते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे मालवा सही आंसर है। अगला है, नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नौपाषाण काल के संबंध में है, तो इसमें है कि औजार पॉलिश किए जाते थे। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प चुनना है, तो औजार पॉलिश होते थे, तो बिल्कुल सही है। नौपाषाण काल में चीज़ें एडवांस हो चुकी थी आपको पता है, तो यहाँ पर पॉलिश का यूज मानव जो है वो करने लगा था। और अगला है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो आप जानते हैं कि नौपाषाण काल में कृषि जो है वो स्थायी हो चुकी, जब कृषि स्थायी हो चुकी है तो अनाज को पीसने के लिए मूसल का यूज आसानी से किया जा सकता है, तो ओखल और मूसल का यूज क्या होता था, यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो सिख जो जत्था होता था और मिसलों की संयुक्त सेना होती थी, इसको कहा जाता था दल खालसा। ठीक है, दल खालसा इसको कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये जो राखी सिस्टम है इसके लिए 20% लिया जाता था, याद रखिएगा 20%। इसको याद कैसे रखें? तो ऐसे कर लीजिए कि राखी वाखी जब आप बांधते हैं या राखी आजकल खरीदने जाते हैं तो कितने में आता है? बढ़िया वाला राखी 20 रुपये में आता है, तो ऐसे करके आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो राखी व्यवस्था जो है ये उपज का 20% लिया जाता था। और ये जो वैसाखी और दिवाली के जो टाइम पीरियड होता था इसी समय में मिलता था, तो वैसाखी और दिवाली इस समय में इसको लिया जाता था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक गुरु का प्रस्ताव पारित होता था और उसी प्रस्ताव के आधार पर इसका डिसीजन होता था, और उस प्रस्ताव को कहा जाता था गुरुमत्ता। ठीक है, तो गुरुमत्ता क्या है? तो ये गुरु का प्रस्ताव है, तो इसी गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव के आधार पर इसमें तय किया जाता था, और 20% उस समय में ये तय हुआ था। अगला है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, तो ऋग वैदिक काल में राजा जो था वो कर एकत्र करने की शक्ति उसके पास नहीं थी, और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो ये भी गलत है। पहला दूसरा दोनों ही गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि राजा जो है, राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं हुआ है, वो उत्तर वैदिक काल में जाके वंशानुगत होता है, यानी यहाँ पर राजा का बेटा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, यहाँ पर चुनाव सिस्टम चल रहा है, अभी इलेक्शन वाला सिस्टम चल रहा है ऋग वैदिक काल में। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा।
तो 1500 से 1100 ईसा पूर्व के बीच का काल जो है वह ऋग्वैदिक है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे पुरोहित और ब्राह्मणों का काफ़ी वर्चस्व होता था, ठीक है, और पुरोहित और ब्राह्मणों के बाद आता था राजा, ठीक है। तो यहाँ पर राजाओं के पास कोई भी कर लगाने की या फिर सेना रखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर जो राजा होता था एक प्रतीक के तौर पर होता था, क्योंकि वो चुनकर आता था, और बाकी सारा कार्यभार जो होता था वो जनता पर ही होता था, यानी इसमें जनता मेन लीड में रहती थी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि राजाओं के पास इस समय में इतना ज़्यादा अधिकार नहीं था, बहुत लिमिटेड अधिकार था, तो करवर एकत्र करने की शक्ति नहीं थी। अगला, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, इसमें महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति दोनों को नहीं दी गई थी। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। तो महिलाओं और शूद्रों को वेदों की अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है वो जाति व्यवस्था कठोर हो जाती है, और महिलाओं के संबंध में भी काफ़ी रूढ़ियाँ जो है वो लाद दी जाती हैं, जबकि ऋग वैदिक काल में कई आपको पढ़ी लिखी महिलाएं नजर आती हैं, अपाला घोसा वगैरह आप पढ़ते हैं। इसके अलावा ये है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, तो ये भी सही हो गया, यानी जैसे ही वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर किया गया तो यहीं से जाति व्यवस्था जो है वो जन्म लेती है, जो आज तक विद्यमान है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये भी आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 के बाद 600 तक इसको माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, समाज जो है वो धीरे धीरे जटिल हो जाता है, चीज़ें यहाँ पर जटिल होने लगती हैं महिलाओं के संबंध में, या जाति व्यवस्था आ जाता है। इसके अलावा राजा जो है, राजा का पद मतलब वंशानुगत हो जाता है, राजा का बेटा ही राजा बनने लगता है, राजाओं को कर वसूलने का अधिकार वगैरह ये सारा चीज़ मिलने लगता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट इसमें लिख नहीं सकते, तो उस चीज़ को बोल कर बताएंगे, तो उसको सुनिएगा तो और भी आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी और फायदा भी होगा। अगला है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति जो है काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर प्रशस्ति का मतलब होता क्या है, तो ये होता है प्रशंसा, यानी जो प्रयाग प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त का है, तो वो एक प्रशंसा, यानी समुद्रगुप्त ने जिन जिन युद्धों को जीता है उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, यानी उसकी जो उपलब्धियाँ हैं उसको लिखा गया है। तो कोई भी इंसान अगर अपनी उपलब्धि के बारे में लिखवाता है तो वो उसके लिए क्या होता है, प्रशंसा ही तो होता है। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या है, प्रशंसा है, और ये संस्कृत शब्द है आप जानते ही हैं। और गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है, ये लोग प्रशस्ति की रचना करवाया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त का तो आप प्रयाग प्रशस्ति जानते ही हैं कि काफ़ी फेमस है। अगला है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन कौन किया था, तो आप जानते हैं हरिसेन किया था, वही प्रयाग प्रशस्ति में। अगला है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है, तो इसमें इसने 12 बताई है कि दक्षिणापथ में 12 शासक थे जिनको जो समुद्रगुप्त है वो अपने अंडर कर लेता है। और उत्तर भारत में कहा गया है कि जो 9 शासक ऐसे थे जिनको हराया जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में 9 शासकों को हराता है और दक्षिण भारत में 12 शासकों को अपने अंडर कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये सारा कहानी कहाँ मिलता है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। किसके बारे में लिखा था, तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो विक्रम संवत को देखेंगे आप तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर भी देखा जाता है, ठीक है। तो विक्रम संवत जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता है, और ये 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ इसको किया गया था, ठीक है। तो 58 ईसा पूर्व में इसको प्रारंभ किया गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर इसको देखा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने रोका था। तो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर जो है वो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन जो था वो मगध और बंगाल को भी जीतना चाहता था, उसको मिलाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उस जब वो नर्मदा नदी के क्षेत्र में जाता था, मतलब इस एरिया को तो वो जीत ही चुका था, इसके अलावा जब वो साउथ की तरफ बढ़ रहा था तो नर्मदा नदी के तट पर उसका पुलकेशिन द्वितीय से सामना होता है, और पुलकेशिन द्वितीय उसको हरा देता है। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको पता होगा कि ये चालुक्य नरेश था, चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। आगे बढ़ते हैं, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो देखिए, पल्लवों के काल में जो नगरम होता था वो व्यापारियों का संगठन होता था, तो नगरम क्या है, व्यापारियों का संगठन है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनपद का क्या अर्थ होता है। तो जनपद नाम से ही लग रहा है, जन के बसने वाली जगह, तो यही है, जन यहाँ लोगों का जो बसाव है होता था,
वही है जनपद। ठीक है, तो जन के बसने वाले जगह को क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। और जनपदों की कई बस्तियां बाद में आपको पता है मिली हैं, जैसे दिल्ली में मिला है पुराने किला के आसपास, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा यूपी में मिला है। तो इस तरह से कई जो है वो जनपद इधर उधर मिले हैं। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? 20 नंबर क्वेश्चन है। तो महाजनपदों का जो उद्भव है वो कहा जाता है कि 2500 वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है, 2500 वर्ष पहले माना जाता है। और कई महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। महाजनपद काल के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है, इसमें असत्य यानी गलत बताना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें किसी भी एग्जाम में, तो ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को असत्य पूछा जा रहा है। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे महाजनपद काल में। तो आपको पता है कि महाजनपद काल आते आते क्या होता है कि लोहे की खोज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही नजर आती है, यानी ये गलत नहीं है। फिर है कि धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, तो कृषि तो नवपाषाण काल के बाद ही शुरू हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर ना तो एक ना ही दो, यानी हल के फाल का यूज होने लगा क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। इसके अलावा धान का जो रोपण है वो भी शुरू होने लगा, बीजों का जो बुआई है यानी बीजों को छिड़क कर जो पहले रोपा जाता था तो वो भी चलता था, लेकिन इसके अलावा रोपण भी स्टार्ट हो गया है, यानी कहीं ना कहीं जो कृषि है वो काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। आज आगे आ जाइए, पाणिनि के संबंध में आपको बताना है। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया और उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों पर या अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए 22 में क्या है कि पहला तो आप जानते हैं कि संस्कृत के लिए यह व्याकरण था पाणिनि का, अष्टाध्यायी जो था। ठीक है, इसके अलावा यह है कि एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, लेकिन व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि कोई भी अगर व्याकरण लिखेगा तो उसमें स्वर भी लिखेगा और व्यंजन भी लिखेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही विकल्प पूछा जा रहा है। अगला है वज्जी संघ। तो वज्जी संघ का वर्णन अगर चाहिए तो आपको एक पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, और उस पुस्तक का नाम है दिघ निकाय। ठीक है, दीर्घ नहीं है, दिघ निकाय। तो दिघ निकाय आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको वज्जी संघ यानी वैशाली के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, वज्जी संघ जो है ये दिघ निकाय में इसके बारे में काफी डिटेल लिखा गया है, और ये दिघ निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक है। ठीक है, बौद्ध धर्म से, इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें बुद्ध के द्वारा कई चीजें जो मतलब कई जो उपदेश दिए गए थे उनके बारे में है, और जो इस संघ में जो राजा होता था उनके बारे में इसमें काफी कुछ डिटेल है। जैसे कहा जाता था कि गण या संघ में शासक ढेर सारे होते थे, और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो होता था वो कहीं ना कहीं राजा के बराबर ही अधिकार रखता था। ठीक है, अनुष्ठान वगैरह करते थे। इसके अलावा वाद विवाद जो होता था उसमें ये लोग बहस करते थे या फिर बैठ कर चीजों को क्लियर करते थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट और इसमें कहा गया कि स्त्रियां दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, यानी जो सभाएं होती थी उसमें स्त्री शामिल नहीं हो सकती थी, दास शामिल नहीं हो सकते थे, और जो कर्मकार थे वो भी शामिल नहीं हो सकते थे। किसमें? सभाओं में। तो ये चीज लिखा हुआ है दिघ निकाय में। आगे बढ़ते हैं, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है कि गंग वंश का शासकों ने बनवाया था। तो गंग वंश का एक फेमस शासक है, नाम है उसका अनंत वर्मन चोडगंग। ठीक है, अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा कहा जाता है कि यह जगन्नाथ मंदिर जो है वो बनवाया गया था। और 1230 में एक अनंग भीम तृतीय है, ये जो है अपना राज्य ही पूरा का पूरा जगन्नाथ के नाम पर समर्पित कर दिया था, और स्वयं को कह दिया था कि हम जगन्नाथ के कौन है? प्रतिनिधि हैं। तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, ये कौन है? तो अनंग भीम इसका नाम है। ठीक है, अनंग भीम, ये क्या किया था कि अपना पूरा राज्य जगन्नाथ को समर्पित करके अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनिधि बताया था कि भाई हम उनके लिए शासन करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप कई शासकों को ये चीज करते हुए देखते हैं। तो ये 12वीं शताब्दी के आसपास का मंदिर है, और अनंत वर्मन चोटगंग के द्वारा बनवाया गया है। अनंग भीम अपने आप को प्रतिनिधि घोषित करता है। अगला है कि अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता है? तो आपको पता होगा कि 1586 में ये बंगाल को जीत लेता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसमें ज्यादा डिटेल जाने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो भक्ति संत थे उनके बारे में अगर बात करें तो नैनार जो थे वो शैव संत थे, इसमें
कोई डाउट आपको नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। और अगला है कि अलवार वैष्णव संत थे, तो ये भी आप जानते हैं कि ये भी सही है। ठीक है, नैनार सैव थे, अलवार वैष्णव थे। आगे है कि ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया और पनार जातियों के लोग थे। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, यानी इसमें एक और देव दो जो है वो सही है। तो देखिए, सातवीं से और नौवीं शताब्दी के बीच में ये जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, तो सातवीं से नौवीं शताब्दी के बीच में आपको ये नजर आएगा। और इसमें नैनार और सहवार काफी मुख्य भूमिका में थे। और कहा जाता है कि इसमें जो भी संत थे ना, वो सभी जाति के थे, कोई फिक्स नहीं थे। तो सभी जाति के संतों का इसमें रोल जो है वो नजर आता है। ठीक है, सभी जाति के। और जिनमें पुलैया और पनार, ये दो जातियां थी जिनको स्पर्श समझा जाता था, तो ये भी शामिल थे। तो पुलैया और पनार भी शामिल थे, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई जातियां थी। और ये लोग जो थे, यानी दक्षिण भारत के जितने भी संत थे, ये कहीं ना कहीं बौद्ध और जो जैन धर्म है इसका आलोचना करते थे। ठीक है, क्यों करते थे? क्योंकि ये दोनों ही धर्म आपको पता है कि अनिश्वरवादी है। ठीक है, और ये दोनों धर्म चूंकि शैव संत और वैष्णव संत हैं, तो ये लोग ईश्वर को मानता है, ईश्वर की पूजा करता है, जबकि जैन और बौद्ध दोनों ही अनिश्वरवादी है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये लोग विरोधी माने जाते हैं बौद्धों और जैनों के। ठीक है, और ये लोग अपना विष्णु या शिव के प्रति जो है अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। और ये लोग घुमक्कड़ प्रकृति के होते थे, यानी घूमते थे और घूमने के बाद प्रचार करते थे और बहुत सारी रचनाएं करते थे। और इनकी रचनाएं संगीतबद्ध होती थी। ठीक है, रचनाएं संगीतबद्ध होती थी, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरै चोलों का बंदरगाह था, इसमें भी आपको सही चुनना है। तो देखिए, इस चीज में आप देखेंगे कि पुहार किसका था, तो ये जो था पुहार पांड्यों को ना होकर ये चोलों का बंदरगाह था। ठीक है, और मदुरै जो था ये पांड्यों का था, और पांड्यों की राजधानी भी यही थी, ये भी आपको पता होगा। बाद में चोल इस पर कब्जा करते हैं, लेकिन शुरुआत में ये पांड्यों का ही बंदरगाह था। तो दोनों ही उल्टा दिया हुआ है, यानी पुहार जो है वो चोल का हो जाएगा और मदुरै जो है वो पांड्य का हो जाएगा, यानी यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए, दार्शनिक अगर शंकर के बारे में चलें, तो पहला स्टेटमेंट है कि इनका जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, तो ये बिल्कुल सही है कि अद्वैतवाद के समर्थक थे। और इन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा था कि भाई ज्ञान के मार्ग के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, तो ये भी सही है। यानी दो तीन और चार स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है क्योंकि इनका जन्म केरल में हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। और ये कहते थे कि जो जीव आत्मा है और परमात्मा है, यही परम सत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आत्मा और परमात्मा को ये काफ़ी ज़्यादा मानते थे, और ब्रह्म की शिक्षा पर ये बल देते थे, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहते थे कि ब्रह्म की शिक्षा को अपनाओ, यानी ज्ञान के मार्ग को अपनाओ, तभी तुमको जो मोक्ष है वो प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो वीर शैव आंदोलन जो था वो कर्नाटक के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, और ये इसके जो नेता थे उनको माना जाता है बसवन्ना। तो बसवन्ना का नाम आपने सुना होगा, तो बसवन्ना प्लस अल्लभ प्रभु, तो ये दो लोग थे जिन्होंने वीर शैव आंदोलन कर्नाटक के क्षेत्र में स्टार्ट किया था। एक अक्का महादेवी का भी नाम आता है इसमें, और भी कई लोग थे, लेकिन ये कुछ फेमस लोग हैं इसमें। तो अक्का महादेवी का भी नाम है, बसवन्ना है, अल्लभ प्रभु है, तो इन लोगों के द्वारा इसकी कर्नाटक में शुरुआत हुई थी। और ये 12वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। ठीक है, तो 12वीं सदी के आसपास में इसका शुरुआत माना जाता है। और इसमें वही समानता के पक्ष में कहा गया है, यानी समानता की बात की गई है। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन था, तो समानता की बात की गई है। इसके अलावा नारियों के प्रति जो है अच्छे व्यवहार की बात की गई है। और इसमें किस चीज का आलोचना हुआ है, तो ब्राह्मणवाद का आलोचना हुआ है। ठीक है, ब्राह्मणवाद इसको इसका आलोचना किया गया, तो यही है इसमें। इसके अलावा कर्म कांड, मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किया गया, क्योंकि ये सुधार आंदोलन टाइप का था। अगला है कि महात्मा गांधी का एक भजन था, प्री वैष्णव जन तो तेने कही है पीर पराई जानी रे, तो ये किसने लिखा है, तो काफ़ी फेमस है, आप जानते भी होंगे, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, नरसिंह मेहता के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, तो दक्कन के जो संत कवि थे वो लोग जो थे
कर्मकांड और जितने भी चीज़ें होती थी इसका ये लोग विरोध करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़े हुए थे। तो उस तरह से इसी में इनका नाम आता है नरसिंह मेहता का। और नरसिंह मेहता जो थे ये गुजराती संत थे, ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है, तो ये गुजराती संत थे और इन्होंने ही इसको लिखा था जिसको गांधी जी हमेशा गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभ में नागपंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो अगर नागपंथ की बात करें कि प्रारंभ में कहाँ, तो ये उत्तरी क्षेत्र में आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि नागपंथ इधर ही नजर आएगा, और इसी में सिद्धाचार और योगी भी नजर आएंगे आपको। ये जो है वो 69th BPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। सिद्धाचार और योगी को लेकर ये लोग कहाँ मिलेंगे? तो ये लोग इसी क्षेत्र में मिलेंगे, यानी उत्तरी क्षेत्र में आपको नजर आएंगे। और ये लोग जो है वही रूढ़िवादी जो कर्मकांड वगैरह है उसका विरोध करते थे, ये भी कहीं ना कहीं धर्म सुधार से जुड़े हुए थे, ठीक है। और चिंतन मनन करेंगे, योगासन प्राणायाम इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। नाम में ही योगी है, सिद्धाचार है, तो ये लोग कहीं ना कहीं योगासन प्राणायाम चिंतन मनन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा खास तौर पर जो नीची कहे जाने वाली जो जनजातियाँ थी, जो जातियाँ थी, तो उनमें ये काफ़ी फेमस होते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं, वो काफ़ी साधारण बताते हैं जो कोई भी पालन कर लेता था। तो इसमें नीची जातियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको अपनाती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो मीराबाई के बारे में आपको पता होगा कि संत रविदास की ये अनुयायी थी। मीराबाई किसकी अनुयायी थी? संत रविदास की। और ये एक राजपूत राजकुमारी थी और राजसी घराने में इनका जन्म हुआ था, और कहा जाता है कि मेवाड़ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मेवाड़। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मेवाड़ में। और रविदास जो थे ये अस्पृश्य जाति के थे और ये कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो मीराबाई भी आगे चल के कृष्ण भगवान का भक्त बनती हैं, ये भी आपको पता होगा। और इनकी कई रचनाएं भी हैं जो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी फेमस होता है। और ये कहते हैं कि मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें उच्च जातियों का आलोचना होता है कि भाई निम्न जातियों के साथ जो आप असमानता का व्यवहार करते हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं वो मीराबाई के रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है कि चोल काल में करों के संबंध में कथन पर आपको विचार करना है। तो देखिए, चोल काल में अगर करों की बात करें तो पहला है कि वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है, तो ये पहला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वेट्टी जो था वो नगद नहीं था, ये एक बेगार कर था, आप इसको बेगार कह सकते हैं, यानी जबरदस्ती काम करवाया जाता था इसमें, ठीक है, जबरन मजदूरी इसमें लिया जाता था। इसके अलावा अगला है कि कदमई एक भू राजस्व था, तो ये सही है। तो याद रख लीजिएगा कि भू राजस्व जो है वो किसान उस समय में राजाओं के कदमों में डालकर जाते थे, तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप जानते हैं कि चोल काल में स्थानीय सुशासन व्यवस्था जो थी काफ़ी फेमस थी, वहाँ पे कई प्रकार के जो टैक्स थे, कर थे, वो प्रचलित थे। तो वेट्टी जो था बेगार कर था, यानी बेगार जबरदस्ती काम करवाया जाएगा, आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा, जबकि कदमई क्या है कि भू राजस्व है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है कि कबीर का जो जन्म है वो जुलाहा परिवार में हुआ था, और ये 15वीं 16वीं शताब्दी में कबीर जो है काफ़ी फेमस होते हैं, ठीक है। और इनका पालन पोषण कहाँ होता है? तो बनारस में होता है, ठीक है, बनारस में होता है। तो जुलाहा यानी बुनकर जो है परिवार था इनका। और इसके अलावा आगे चल के ये जो भी कर्मकांड वगैरह है इसका विरोध करते हैं और समानता पर बल देते हैं, और इनका कुछ भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में आपको नजर आता है, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजनों का संकलन आपको नजर आएगा। इसके अलावा बीजक इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अगला है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था के बारे में आप जानते होंगे कि गुरु नानक जी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म होता है, और तलवंडी में जन्म लेने के बाद ये जो है समय के साथ एक भक्ति संत बन जाते हैं और करतारपुर में आते हैं, और करतारपुर में ये अपना डेरा जमाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर भी बना है, आप जानते होंगे, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी प्रेजेंट में है, रावी नदी के तट पर। तो वहाँ पर भी भारतीय जो तीर्थ यात्री हैं वो जाते हैं और करतारपुर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यहीं पर इन्होंने जो अपना डेरा था वो स्थापित किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा ये भजनों को गाते थे और प्रचार करते थे, और जो भी चीज़ें समाज में कुरीतियाँ थीं उसका विरोध करते थे, ठीक है। और वही है कि लंगर व्यवस्था गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था। अगला है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो जस्ट हमने अभी देखा था पीछे, ये पाणिनि हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आगे है कि स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर की अगर बात करें
तो इनका जो शिक्षा था वो प्राकृत भाषा में चलता था। वही अगर पाली की बात करें तो ये बुद्ध की शिक्षाएं आपको पाली भाषा में मिलेंगे। अगला है जैन धर्म के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। तो व्यापारियों ने जैन धर्म को अपनाया था मुख्यतः, पहला स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जैन धर्म का जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो अपनाने वाले लोग जितने भी थे वो लगभग व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। अगला है कि साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो ये सही है, यानी यहाँ पर कथन एक और दो हो जाएगा। किसान वर्ग ने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि किसान खेती करते थे। आपको पता है कि जैन धर्म में अहिंसा को काफी कठोरता से पालन होता है, अहिंसा का, यानी कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना, ठीक है, कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना। अब किसान वर्ग आप जानते हैं कि खेती करते हैं, कृषि में कीड़े मकोड़े मर ही जाते हैं, ठीक है, गलती से ही मर जाते हैं, जानबूझकर नहीं, लेकिन खेतों की जुताई के समय में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान वर्गों ने इसको अपनाना सही नहीं समझा, वो बौद्ध धर्म की तरफ झुके, जबकि जो व्यापारी थे वो सिर्फ व्यापार का काम करते थे, तो उनके लिए अहिंसा का पालन करना आसान था, तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं विनय पिटक के बारे में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए जो बनाए गए नियम हैं, इनका संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यही है विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, संघ का नियम है। तो ये भी काफी लंबे समय से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जबकि अभिधम्म पिटक में क्या है, तो ये इसमें बुद्ध का दर्शन है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो इसमें बुद्ध का दर्शन है। और सुत पिटक में क्या है, तो बुद्ध का जो वचन है, यानी जो प्रवचन है आप कह सकते हैं, तो वो सारा इसमें शामिल है। अगला है कि कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में आपको सही नहीं है, यानी गलत पहचानना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो पहला देखिए है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो ये बिल्कुल सही है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, तो ये भी सही है। और अगला है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को गलत कहा जाता है क्योंकि अब स्त्री जो है उसका विवाह हो चुका है, तो वो अपने माता पिता से ना लेकर किससे लेगी, तो अपने पति से आज्ञा लेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डी स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला है महायान के संबंध में आपको बताना। तो महायान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि पहला सही है। और दूसरा है कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को ये बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है क्योंकि बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां बनती हैं वो महायान में ही बनती है, तो ये सही है। और आपको पता होगा कि चौथी बौद्ध संहिति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बंटता है, और महायान को अपनाने वाले में जो कुषाण शासक थे कनिष्क, इनका नाम काफी आगे है, और इन्होंने ही सबसे पहले मूर्तियों का निर्माण महायान के अंतर्गत करवाया था, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोधिसत्व के संबंध में आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही क्या है। तो बोधिसत्व के बारे में अगर आप देखेंगे तो पहला है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति थे जो खुद ज्ञान प्राप्त होने के बाद दूसरों को भी ज्ञान प्राप्ति की तरफ लेकर जाते थे। तो इनका ये फेमस है कि वो लोग दूसरों को भी चाहते थे कि ज्ञान की प्राप्ति हो, और उसमें वो लोग सहायता भी करते थे। अगला है कि बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे, तो ये सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में लोकप्रिय हुए, तो ये सही है, और अभी भी वहां पर काफी ज्यादा ये लोग लोकप्रिय हैं, वहां पर बोधिसत्वों की पूजा आज भी होती है। तो पहला गलत है क्योंकि ये एकांतवास में साधना नहीं करते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराने में सहायता करते थे खुद ज्ञान प्राप्त करने के बाद। अगला है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हैं, इनका कालानुक्रम सही क्रम आपको चुनना है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको पता है फाहियान आएगा, फिर वेनसोंग आएगा, फिर इत्सिंग आएगा, ठीक है। तो फाहियान गुप्ता टाइम पीरियड में आएगा, फिर वेनसोंग आएगा हर्षवर्धन के समय में, और फिर इत्सिंग आएगा हर्षवर्धन के जस्ट बाद, ठीक है। तो कई यहाँ पर जो चीनी तीर्थयात्री थे वो आते थे, स्त्री और पुरुष सभी थे, उसमें फाहियान और वेनसोंग काफी फेमस है, इसके अलावा इत्सिंग का भी नाम आता है। तो इन लोगों का जो भी ग्रंथ है उसमें भी भारत के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में काफी चीजें लिखी हुई हैं, ये सब आपको पहले से पता है। आगे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में जो आया था वो मेगास्थनीज था, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम आपको पहचानना है। तो इसमें सही क्रम क्या है, तो हिंद यमन पहले आए, फिर कुषाण आए, फिर शक आए, फिर हिंद पर्थियन आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इसका ट्रिक बनता है
एच के, सॉरी, पहले आएंगे सक, उल्टा हो जाएगा। इसका ट्रिक बनता है एच एस पी के, ठीक है। तो हिंद यवन आएंगे, उसके बाद सक, फिर आएंगे हिंद पर्थियन, फिर आएंगे कुशान। तो एच एस पी के अगर आप याद रखते हैं कि यहाँ से हिंद यवन, यहाँ से सक, यहाँ से पर्थियन, यहाँ से कुशान, तो आपको डाउट नहीं होगा, एच एस पी के आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है कि अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको क्या कहा जाता था? तो आप जानते होंगे कि उनको कहा जाता था धम्म महामात्र, यानी ये लोग जाके धर्म के संबंध में जो शिक्षाएं हैं वो सभी जगह पर देते थे और लोगों को बताते थे कि किस तरह से धर्म का पालन करना है और धर्म के पालन से क्या फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों का काम था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन आपको पहचानना है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अशोक का ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी में था, तो जानते हैं कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर किसमें था, तो ब्राह्मी लिपि में इसका अभिलेख था। और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि 13वां जो अभिलेख है इसमें वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं। मुगलों के जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो मुगलों की जो जागीर है वो दिल्ली सुल्तानों का इकता के बराबर था, ठीक है। तो यही एकता व्यवस्था को मुगल टाइम पीरियड में जागीर कह दिया जाता है, ठीक है। और एकता वही था कि जो राज्य के लिए कुछ काम कर रहे हैं उनको वेतन के बदले जो एरिया दिया जाता था उसी को एकता कहा जाता था, वही बाद में जागीर बन जाता है। आगे है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो लीला तिलकम के बारे में अगर बात करें तो केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये केरल में लिखी गई ही ग्रंथ है और ये संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक साहित्यिक कृतियाँ इसको माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से ये संस्कृत से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आता है। तो इसमें व्याकरण और काव्य से संबंधित है ये पुस्तक, तो इसको याद रखिएगा। और मणि प्रवालम शैली में इसको लिखा गया, ठीक है। मणि प्रवालम शैली जो था वो केरल में काफ़ी फेमस था, तो मणि प्रवालम इसी शैली में इसको लिखा गया था। और ये केवल संस्कृत में नहीं थी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखी गई थी, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये लिखी गई थी और इसमें व्याकरण और काव्य से ये संबंधित तो था ही, और इसमें सांस्कृतिक परंपराओं को भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो सांस्कृतिक परंपराएं भी शामिल थी, इस वजह से ये गड़बड़ है। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? तो अशोक के शिलालेख जो हैं ये कंधार, जौगढ़, लुम्बिनी, ब्रह्मगिरी, गिरनार, यानी सभी स्थानों से प्राप्त हुए, ठीक है। तो और भी अमरावती से भी प्राप्त हुआ है, सांची से प्राप्त हुआ है, इलाहाबाद, सारनाथ, वैशाली, दिल्ली, ये सब जानते हैं आप, दिल्ली टोपरा जो शिलालेख है, तो कई स्थानों से प्राप्त हुए। अगला, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो धम्म का जो प्रसार है उसके लिए अपने राजदूत को सीरिया भी भेजा था, श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजा था, मिस्र भी भेजा था। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि कई लोगों को अलग अलग क्षेत्र में भेजा था, जिसमें अपना जो बेटा था इसका महेंद्र और जो पुत्री थी संगमित्रा, तो इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। आगे आते हैं। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजकुमारों को राज्यपाल गवर्नर का पद दिया जाता था। तो आप जानते ही कि अशोक जो था वो पहले गवर्नर हुआ करता था और बाद में फिर वो राजा बनता है। अगला है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? तो पहला है कि बड़े आकार है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि समुद्र पहाड़ियों पर्वतों से बटा हुआ है, तो ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसी वजह से इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ खास नहीं है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग होता था? तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए जिसका यूज होता था वो होता था चित्रित धूसर मृदभांड, तो इसका यूज काफी ज्यादा होता था। और इस प्रकार के पात्र में जो थी थालियां, कटोरियां, ये भी काफ़ी मात्रा में मिली हैं,
और इस पे भोजन परोसने के लिए भी यूज होता था, और ये मिट्टी से ही बनता था क्योंकि मृदभांड है तो मिट्टी से ही बनेगा। तो चित्रित धूसर मृदभांड का यूज महाजनपद काल में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो देखिए, अगर पांडुलिपियों के महत्व के बारे में बात करें तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा हुई, बिल्कुल सही। राजाओं के जीवन के बारे में इसमें लिखा होता था, बिल्कुल सही। धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों की चर्चा होती थी, बिल्कुल सही। और स्तंभ लेखों के अध्ययन के लिए भी ये कहीं ना कहीं यूज होता था, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। तो जो पांडुलिपियाँ होती थी ये ताड़ पत्रों पर बनती थी, ठीक है, ताड़ के पत्तों पर, या फिर आप कह सकते हैं ताम्र पत्रों पर। तो इन दोनों पर बनाई जाती थी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन किया जाता था, खुद कर उसमें लिखा जाता था, और ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। मतलब जनरली आप कह सकते हैं कि सभी चीज़ों के बारे में उसमें डिटेल होता था, ठीक है। और ये प्राकृत भाषा में आपको मिलेगा, ठीक है, प्राकृत भाषा में बहुत सारी पांडुलिपियाँ मिली हैं। तमिल भाषा में भी ढेर सारी पांडुलिपियाँ मिली हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग क्षेत्रों में ये पांडुलिपियाँ मिली हैं, और इसमें लगभग सभी चीज़ों के बारे में लिखा जाता था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही थी? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे कि दूसरी राजधानी इनकी रही थी मथुरा, जबकि पहली राजधानी इनकी क्या थी? तो पुरुषपुर थी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहली राजधानी पुरुषपुर थी, जबकि दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। और मथुरा जो है धार्मिक केंद्र भी रहा था, और मथुरा कला भी एक काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है। मथुरा कला जो थे ये काफ़ी फेमस हुआ था, ये भी आप जानते हैं। बुद्ध की कई मूर्तियाँ इसमें बनी थी। आगे है, अरिका मेड़ू नामक प्राचीन पतन प्राचीन जो बंदरगाह है ये कहाँ पर था? तो ये जो अरिक मेड़ू है ये मिलेगा आपको पुदुचेरी में, और ये काफ़ी फेमस है ये पतन, क्योंकि ईंटों से बना हुआ एक यहाँ पर ढांचा मिला है, यानी कहा जाता है कि गोदाम का साक्ष्य यहाँ पर मिला है अरिक मेड़ू से। आगे बढ़ते हैं, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जातक कथा जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका संकलन भी बौद्ध अनुयायी ही करेंगे। तो जातक कथाएं जो होंगी वो जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उन्हीं का ये भाग माना जाता है, और ये गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो पूरा इसमें है। जीवन का जो स्टोरी है, जीवन का कहानी है वो इसमें है। तो बुद्ध के इसमें जीवन के बारे में, जीवन की कहानियाँ उल्लिखित हैं। अगला है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो तमिल क्षेत्र है उसमें बड़े भूस्वामी को कहा जाता था वेल्ला, या वेलाल भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, तो वेलाल या फिर वेल्ला के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा वहाँ पर जो साधारण भूमिहीन मजदूर थे, ठीक है, जो मजदूर थे उनको कहा जाता था कडैसियार, मतलब भूमिहीन मजदूर को कडैसियार कहा जाता था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कडैसियार। और जो वहाँ पे हलवाहा होते थे, हलवाहा उस क्षेत्र में, उनको कहा जाता था उनवार, उनवार। तो हलवाहा को उनवार कहा जाता था। ये सारा संगम युग में है, और भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग नाम दिया गया। तो हलवाहा को उनवार, जो भूमिहीन मजदूर थे जिनके पास भूमि नहीं थी, तो उनको कहा जाता था कडैसियार, और भूस्वामियों को वेल्ला या फिर वेलाल भी कहा जाता था। अगला, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो अफगानिस्तान से जो कंधार अभिलेख की प्राप्ति हुई है इसके बारे में अगर बात करें तो अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये आपको स्टेटमेंट जो है काफी सही नजर आ रहा है, और इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है तो ये गलत है, क्योंकि ये अफगानिस्तान में लिखा गया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि उस समय में भारत का जो आंतरिक भाग है वहीं पर फेमस थी, यानी वहीं के लोग इसको पढ़ सकते थे, वहीं के लोग इसे समझ सकते थे, तो इसलिए वहां पर इसका यूज नहीं होगा। वहां पर जिस लिपि का यूज होगा वो होगा आरमाइक, ठीक है, आरमाइक, यानी आरमाइक और यूनानी लिपि का यूज जो है वो कंधार अभिलेख में हुआ है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा। अगला है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, अभिलेख भी होंगे, जानवरों की हड्डियाँ भी आएंगी, औजार भी आएंगे, मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण, सारी चीज़ इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक मानव अखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो इस स्टेटमेंट का जो सही आंसर है, अगर आप पहला देखेंगे तो एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो ये बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में ऐसा होता था। इसमें दूसरा है कि शिकार ढूंढने के कारण, तो ये भी सही है कि शिकार के लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। अगर वह मवेशी रख रहे हैं तो चारा ढूंढने के लिए भी उनको जाना पड़ेगा, और अगर मौसम बदला तो भी उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चारों स्टेटमेंट सही नज़र आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं आहत सिक्कों के बारे में कि आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होते थे, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है और इसमें हम लोगों को गलत कथन पहचानना है, कौन सा कथन गलत है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला है कि आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होते थे, तो ये तो सही नजर आ रहा है। दूसरा है कि आहत सिक्कों को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, तो ये गलत है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। और अगला है कि सिक्के चांदी या फिर तांबा के विभिन्न आकृतियों के होते थे, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, यानी केवल दो जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो सिक्के थे वो ढाल कर नहीं बनते थे, इन पर क्या किया जाता था, एक मार्क डाला जाता, जैसे इस तरह का सिक्का है तो इसमें एक मार्क इस तरह से बना दिया गया, यानी ठप्पा का यूज होता था, जिस तरह से मुहर मुहर लगता है, तो आप मुहर की तरह समझ सकते हैं कि मुहरों की तरह यूज होता था, ये ढाल कर नहीं बनाया जाता था। अगला आ जाते हैं, अगला है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मथुरा का जो अभिलेख है इसमें आप देखेंगे कि सभी का उल्लेख मिलता है, यानी सुनारों का भी, लोहार और बुनकरों का भी, और टोकरी और माला बनाने वालों का भी। तो मथुरा अभिलेख जो है ये कुषाणों से संबंधित है, ठीक है, कुषाण शासकों से संबंधित है, क्योंकि ये द्वितीय राजधानी थी उनकी, हमने अभी पीछे पढ़ा था, और उनके समय में ये काफ़ी फेमस शहर था और यहाँ पर मथुरा कला भी काफ़ी चर्चित था। तो यहाँ पर देखेंगे कि सुनार, लोहार और बुनकर, टोकरी, माला बनाने वाले सबके बारे में इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्णन आपको नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संगमकालीन व्यापार के संबंध में अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो है कि व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी एक मार्ग का प्रयोग नहीं करता है, वो अलग अलग विकल्प अपने पास रखता ही है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत सोना, मसाला, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, तो ये सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार का प्रमाण भी मिला है, सोने का सिक्का मिला है, रोमन सोने का सिक्का, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, और ए नंबर जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि केवल समुद्री मार्गों का यूज ये लोग नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध का जो जीवनी है बुद्ध चरित, इसके रचनाकार कौन है, तो आप जानते होंगे कि अश्वघोष जो है ये रचनाकार हैं, और ये किसके दरबार में मिलेंगे आपको, तो ये कनिष्क के दरबार में मिलेंगे, ठीक है, कनिष्क के दरबार में ये मिलेंगे। इसके अलावा भी कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान भी नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही आपको स्टेटमेंट पहचानना है। इसमें पहला है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, तो जानते हैं कि आज भी इसका प्रभाव दिखाई देता है, और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित हुआ, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। थेरवाद जो है इसका अर्थ होता है बुजुर्गों की शिक्षा, ठीक है, थेरवाद का अर्थ क्या है, तो ये होता है बुजुर्गों की शिक्षा, ठीक है। तो इसका मतलब इन क्षेत्रों में जो थेरवाद है वही काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं से संबंधित है थेरवाद, ठीक है, तो ये बुद्ध की क्या है, मूल शिक्षा है, तो इस वजह से उन क्षेत्रों में काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, उसको क्या कहा जाता है, तो आप जानते होंगे प्रदक्षिणा पथ उसको कहा जाता था। आगे चलते हैं, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। तो प्रारंभिक जो मानव थे वो किस आधार पर चयन करेंगे, तो पहला है कि जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, तो एकदम सही है कि अगर बीमार होंगे तो फिर उनका यूज वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से वैसे ही जानवरों का चयन करते थे। अगला है कि बड़े दाने और मजबूत डंठल खाने वाले, तो ये भी कहीं ना कहीं सही स्टेटमेंट है। और अगला है अहिंसक जानवर, तो ये भी सही है, अगर हिंसक होंगे तो उन्हीं को खा जाएंगे, तो इस वजह से इनका यूज ये लोग नहीं करेंगे, और जो बड़े दाने मजबूत डंठल खाएं तो उनको कहीं भी ले जाकर आप रख सकते हैं, ठीक है, तो इस वजह से तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही नजर आ जाता है। अगला है, चोलों का सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन सा है, तो चोलों के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि चोलों का सबसे महत्वपूर्ण पतन हो जाएगा पुहार, जबकि मदुरै किसका था, पांड्यों का था, ठीक है, तो पुहार याद रखिएगा, संगम साहित्य में पुहार का जो है वो काफ़ी चर्चा नजर आता है। और कहा जाता है कि कावेरी नदी के किनारे एक पुंपुहार शहर था, उसी से ये कुछ दूरी पर स्थित था, और चोल वंश का ही एक फेमस बंदरगाह था, और काफ़ी ज़्यादा व्यापार वगैरह यहाँ से हुआ था। अगला है, बुर्ज होम में आवास के संबंध में आपको बताना है, तो बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो आपको पता है कि ये सही है, और गर्तावास का प्रमाण वहाँ से मिला ही है।
और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। तो दूसरा भी सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर भी और बाहर भी दोनों स्थान पर आग जो जलाना है, क्योंकि देखिए बुर्ज हम कहाँ है, तो अब जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। अब जम्मू कश्मीर में ये उस समय में ठंडा क्षेत्र था, तो इस वजह से आग जलाने का वहाँ पर ये प्रमाण मिलता है। अगला है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट, स्पीड थोड़ा और बढ़ाते हैं। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो कुषाणों के समय आप जानते हैं कि जिस शाखा का विकास हुआ वो महायान था, इसकी चर्चा भी हमने पीछे में की थी, ठीक है। और महायान में क्या था, तो बुद्ध को इसमें क्या मानते थे, भगवान मानते थे, और बुद्ध की मूर्तियां बनी और उन्हीं मूर्तियों की पूजा की गई, जबकि हीनयान में मूर्ति का विरोध किया गया, भगवान ना मान के क्या माना जाता था, बुद्ध को पुरुष माना जाता था, महापुरुष माना जाता था। अगला मिलाना है हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में, तो ये लोग आयात कहाँ से करते थे इस वस्तु का, ये है। तो देखिए तांबा ये लोग कहाँ से लेंगे, तो राजस्थान से लेंगे। टीन कहाँ से लेंगे, तो टीन के लिए अफगानिस्तान या फिर छत्तीसगढ़ से भी कहीं कहीं कभी कभी ये लोग यूज करते थे। और सोना कर्नाटक से यूज करते थे, कोलार गोल्ड माइन KGF जो है आप जानते हैं वहाँ से सोना लेते थे। अब और तांबा के लिए राजस्थान की जो खेतड़ी खदाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, मतलब छत्तीसगढ़ से भी मंगाते थे। अगला है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। तो हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने कहा कि नदियों के सूखने के कारण, तो सही है। जंगलों के विनाश के कारण, ये भी सही है। चारागाह मैदान समाप्त हो गए, ये भी सही है। बाढ़ के कारण, ये भी सही है। और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, तो ये भी सही है। यानी सारा ही स्टेटमेंट सही है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें इसके संबंध में कही थी, तो सारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का क्या परिणाम हो सकता है, तो पहला है हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, तो सही बात है, अगर अंत ही हो गया तो फिर वहाँ लोग रहेंगे कैसे। अगला है मुहरों लेखन और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्चे माल का आयात घटा, ये भी सही है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, तो ये भी सही है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाके जो बचे हुए थे वो बसने लगे, तो ये सारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है। अगला है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था। सो सिल्क रूट पर जो कब्जा करता है उसमें कुषाण वंश फेमस है। आप जानते हैं कि कनिष्क को कहा जाता है कि इसने सिल्क रूट पर कब्जा किया था, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। इसके अलावा आगे बढ़ें तो अश्व घोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसका दरबारी कवि था, तो अभी हमने देखा कि कनिष्क, और इनका जो पुस्तक है वो था बुद्ध चरित्र। अगला है रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो रोमन साम्राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिर्च की मांग जो थी वो सबसे ज़्यादा थी, तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की मांग सबसे ज़्यादा थी। तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और काली मिर्च की मांग जो था वो ज़्यादा था, और ये लोग समुद्री जहाज़ों से सड़कों से यहाँ पर आता था इस चीज़ को व्यापार करने के लिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों से दक्षिण भारत में सोने का सिक्के का जो उल्लेख है वो मिलता है, या साक्ष्य आप कह सकते हैं कि मिलता है। अगला है पुलकेशियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पुलकेशियन के बारे में पहला है कि एहोल शिलालेख इससे संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है, पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। अगला है कि गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये जो है बिल्कुल भी गलत है। पुलकेशियन द्वितीय का जो मृत्यु है वो गुप्तों के साथ लड़ाई में नहीं हुआ था, बल्कि ये जो लड़ाई था वो किसके बीच में हुआ था, तो आपको पता होगा कि इसमें एक शासक थे जिन्होंने इसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, और पुलकेशियन जो द्वितीय था ये चालुक्य वंश का सबसे फेमस शासक हुआ करता था उस समय में, और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशियन द्वितीय को हराया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और वह तापी पर कब्जा किया था, और पुलकेशियन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया था, तो ये भी सही है, और यही पुलकेशियन द्वितीय है जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। अगला है जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था, तो आप जानते होंगे कि जाट राज्य जो है ये सूरजमल के समय में शक्तिशाली हो चुका था, ठीक है, और 18वीं सदी में ये आया था, ठीक है, 18वीं सदी में, और बदन सिंह चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में चल के सूरजमल इसका शक्तिशाली शासक बनता है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया बन चुके हैं, ये करंट अफेयर्स से आपको पता होगा, और ये पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। पूर्व उपाध्यक्ष किसके थे, तो ये नीति आयोग के थे। तो यहाँ से कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो फटाफट देख लेते हैं।
अगला है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पर अब देखेंगे तो ये चारों ही संगठनों पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया। तो तहरीक ए हुरियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो ये चारों पर कहीं ना कहीं वो बैन लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और ये बी आर कंबोज जो हैं ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हरियाणा में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं और इनको दिया गया है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में इन्होंने ढेर सारा काम किया है। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जो हैं इन्होंने उन्हें यह पुरस्कार दिया है। आगे है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, तो ये भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो ये भारत और यूएई के बीच में होता है, यूएई और इंडिया के बीच में ये होता है डेजर्ट साइक्लोन, और ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। अगला है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राज्य सांख्यिकी आयोग है इसका सदस्य बन चुका है? तो ये बना है 4 साल के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का 4 साल के लिए सदस्य बना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस आयोग की? तो 1947 में हुई थी। और इसमें मेंबर कितने हैं? तो 24 सदस्य हैं। ठीक है, 24 सदस्य। और भारत जो है पहले 2004 में बना था, फिर अभी सदस्य बन रहा है, यानी 4 वर्ष के लिए। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उस समय में दिनेश के त्रिपाठी उप प्रमुख थे, अभी ये क्या बन गए हैं, अभी ये प्रेजेंट में प्रमुख बन चुके हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, इसके संबंध में क्वेश्चन है, आपको बताना है सही, इसमें से सही क्या है। तो इसमें सही स्टेटमेंट की बात करें तो पहला है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, तो ये जो है सही है। दूसरा है कि भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और चेतावनी देता है, ठीक है। और तीसरा है कि इसकी स्थापना 99 में हुई और मुख्यालय इसका दिल्ली में, तो यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में, याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। 1999 में स्थापना तो हुआ है लेकिन मुख्यालय कहाँ है, वो हैदराबाद में। और दूसरा ये है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और भारत में सुनामी के संबंध में ये कहीं ना कहीं भविष्यवाणी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, तो ये तीसरा नंबर तो गलत है क्योंकि हैदराबाद है। पहला नंबर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा गलत, यानी दूसरा नंबर जो है वो सही है। पहला नंबर इसलिए गलत है क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो इसके संबंध में क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है कि एक्सपोसैट जो है वो नासा द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये ही पे गलत हो जाता है क्योंकि एक्सपोसैट किसने लॉन्च किया है, तो ये इसरो द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है, नासा के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया। और ये दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमीटर माप के लिए समर्पित है, तो ये बिल्कुल सही है। बस यहाँ पर नासा काट कर आपको इसरो करना है। और अगला है कि मिशन जो है 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी के निचली कक्षा में गया है, तो ये जो अवधि है ये बिल्कुल भी सही है, यानी दूसरा नंबर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP समझौते में शामिल है, तो क्या क्या RCEP समझौते में शामिल है? तो सभी 4 हो जाएगा, यानी वस्तु सेवा का व्यापार से लेकर निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार से लेकर ई कॉमर्स तक सारी चीजें शामिल है। अगला है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में अभी क्या हुआ है कि भारत जो है वो म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही जो समझौता था उसमें काफी बदलाव किया है, इस वजह से ये चर्चा में आया है। अब है कि कितने सही हैं, ठीक है, तो पहला है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये व्यापार से संबंधित नहीं था, ये आवागमन से संबंधित था, नाम ही लग रहा है। अगला है कि भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी, तो ये भी गलत है, वीजा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। और भारतीय म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती थी, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, यानी तीनों स्टेटमेंट गलत है।
तो फिर सवाल है कि सही क्या है। तो एफएमआर का जो लक्ष्य था वो सीमा संबंध में सुधार करना था और समुदायों को जोड़ना था, ठीक है। और ये व्यापार और निवेश पर फोकस्ड नहीं था, इसलिए पहला गलत है। दूसरा, अगर बात करें तो व्यापार, खेती और पारिवारिक जो यात्राएं थी वो भी कहीं ना कहीं होती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये समझौता ऑलरेडी हो चुका है, तो वीज़ा का इसमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर पूरी लंबाई की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि पूरी लंबाई अगर देखें तो 1643 किलोमीटर पूरी लंबाई है, जबकि इसमें एफएमआर के तहत मात्र 16 किलोमीटर कवर था, कि 16 किलोमीटर अंदर तक आप मुफ्त आवाजाही जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। तो जीएसटी के संदर्भ में अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट है कि जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, यानी निर्यातक जो हैं अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर नहीं लगता है। और अगला है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा गलत क्यों है? तो याद रखिएगा कि जीएसटी में जो निर्यातक है वो शून्य रेटेड है, यानी अर्थ होता है कि निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करता, लेकिन अपने इनपुट पर वो रिफंड उसको मिलता है। और जीएसटी जो है वो केवल निर्माण और बिक्री पर नहीं लगता है, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपूर्ति पर लगता है, केवल निर्माण और बिक्री पर नहीं लगता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की जो आवश्यक प्रकृति जीएसटी के तहत उनके कर वर्गीकरण में एक कारक है। याद रखिएगा कि वस्तुओं और सेवाओं का जो आवश्यक प्रकृति है वो कहीं ना कहीं मतलब उसी के आधार पर लगता है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि केवल, तो केवल मतलब आवश्यक प्रकृति के आधार पर ये कर लगता है, लेकिन केवल नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा चीज़ है जिसको ध्यान में रखा जाता है, जैसे सामाजिक विचार है, राजस्व क्षमता है, विलासिता है, आर्थिक उपयोगिता है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर भी लगाया जाता है। तो इसी वजह से 3 नंबर गलत हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश यानी जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वो ये करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो वियना में, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वियना में। आगे है कि कुछ स्टेटमेंट है कि मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है, ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। सही पहचानना है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया आउट का मतलब है कि वहाँ पर भारत के प्रभाव को कम करना, कि भारत जो अपनी परियोजना या जो भारत के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या और भी जो चीज़ें हैं उसको कम करना। अगला है कि भारत जो है मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ, विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है, तो ये सही है। और मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चला रहा था, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर 2 और 3 सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो भारत बहुत सारा चीज़ किया था, लेकिन आपको पता है कि हाल में मालदीव ने भारत को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। अगला है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। तो इस संधि के संदर्भ में आपको बताना है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर सही पहचानना है, पहला गलत है। दूसरा है कि इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो संधि है इसमें आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि भाई परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले को रोकने के लिए ये किया गया है, पारदर्शिता को दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच में सारा चीज़ पारदर्शी रहे, तो इस चीज़ के लिए किया गया है। अगला है कि किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट बनाई जाएगी? तो हर जिले में ये ड्रोन पुलिस यूनिट जो है वो बिहार में बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो दियारा पहाड़ी एरिया है वहाँ पर इस तरह का सिस्टम लगाया जाएगा। अगला है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने
खिताब पर कब्जा जमाया है, तो इसका सही उत्तर भी बिहार हो जाएगा। ये नेपाल में आयोजित हुआ था, इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप था और इसमें भी बिहार जीत लिया। अगला है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करनी है, तो ये भी बिहार हो जाएगा। और अगला है सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान था 13वां, याद रखिएगा सड़क हादसों में 13वां था। और केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, तो इसके लिए किया है 4797 करोड़ का, ठीक है 4797। और भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, ये किया जा रहा है गुजरात, गुजरात में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप बेट द्वारका के आसपास ये शुरू किया जा रहा है, ठीक है। और मझगांव डॉक लिमिटेड से ये समझौता किया जा रहा है, और मझगांव के बारे में आपको पता होगा कि ये जो मझगांव डॉक लिमिटेड है इसको अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो ये भी आपको याद रखना। बाकी इसमें 100 क्वेश्चन यही थे, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में भी आई होंगी जो डिटेल पर हमने बात की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि हमने डिटेल भी देखा, क्वेश्चंस भी देखे। बाकी इसको अगर इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहें तो आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यू को ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।